बरसात हो चुकी है, बरसात की वजह से रास्ता जो है काफ़ी स्लिपरी हो गया है, तो आने के मुकाबले जाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो गया ऐसा लग रहा है। वो सामने भीम दुआरी दिखाई दे रही है, तो हम भीम दुआरी नहीं रुकने रहे, हमारा थाचुड़ू तक पहुँचने का हमारा प्लान है। आप देखें थाचुड़ू तक कब तक पहुँचते हैं। नीचे घाटियों में बादल छाए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, हरियाली चारों तरफ। वाह, आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। हमने रात में स्टे किया श्री था खंड कैलाश यहाँ पे पार्वती बाग में, महादेव की यात्रा कंप्लीट होने पर यहीं स्टे किया था, जय। और आज छड़ी यात्रा निकल रही है। बोलो साधु संतों की जय। जय। हरे तो ये छड़ी यात्रा जो है जा रही है श्रीखंड महादेव। हरे महादेव। ये साधु संतों की जो छड़ी यात्रा है वो आरंभ हो रही है, जो सीधे कैलाश श्रीखंड कैलाश तक जाएगी, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जय। छड़ी यात्रा अपने मार्ग पर निकल चुकी है और अब हमारी भी वापसी का समय हो चुका है, तो हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 दिन से बराबर सो नहीं पाए हैं, हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिर दर्द और बेचैनी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम जितना नीचे पहुंच जाएंगे उतना थोड़ा आराम हो जाएगा, नहीं रिलीफ मिल जाएगा। अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है। फिर भी बाबा की कृपा से इतनी थकान लगी नहीं। हाँ, वापसी के बाद थकान बिल्कुल गायब हो चुकी है। सुबह के 7:45 और हमारी यात्रा का है तीसरा दिन और हम अब निकल रहे हैं, और निकलते समय ही बारिश शुरू हो चुकी है, तो घनघोर घटा छाई हुई है हर जगह पे, और इसी हाल में हमें नीचे उतरना है। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। फिसलन भरा है रास्ता। फिसलन भरा तो थोड़ा नहीं, काफी फिसलन भरा रास्ता है, थोड़ा ही कहेंगे उसको। हाँ, हम थोड़ा ही कहेंगे, दिल को तसल्ली देंगे अपने। ये देखो चलिए, यहाँ पे रास्ते भर में काफी सारे अलग अलग प्रजातियों के फूल पौधे जड़ी बूटियां वगैरह दिखाई देती हैं, पूरा रास्ता एक वैली ऑफ फ्लावर ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ये है कि बताया जाता है कि आपको किसी भी फूल को बिना जानकारी के, बिना वजह, ना छूना है ना सूंघना है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ फूल पत्ते ऐसे हैं जिनकी खुशबू से ही आदमी को मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। तो इसलिए बिना जानकारी के हम भी किसी फूल पौधे वगैरह को छेड़ते नहीं है, और अपने रास्ते से आते हुए खाली अपने नेत्रों में संभाल लीजिए पूरी सुंदरता को, पूरी खूबसूरती को अपनी आंखों के जरिए समाते हुए चले जाइए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ घना फॉग आ चुका है। हमें अभी और नीचे उतरना है, काफ़ी काफ़ी दूरी बस भी तय करनी है, 30 किलोमीटर लगभग हमें तय करना है अभी। ये वापसी के दौरान कोहरे में छिपा हुआ पार्वती झरना, कैमरा इसकी पूरी भव्यता को अपने भीतर नहीं समेट सकता। इस मतलब झरना हमसे कम से कम आधा किलोमीटर दूरी पर है, और उसकी जो पानी की जो बौछार है यहाँ तक महसूस हो रही है। अब हमें इस पार्वती झरने को जो है पार करना है। ये जो धुंध के बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहा था, और हमें इसे ऐसे पार करना है। इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी बगल में बह रहा पार्वती झरना, जहाँ पर शिव भगवान नहाते थे ऐसा कहा जाता है। इसके आगे के नज़ारे तो और खूबसूरत हैं। जय भोले, जय भोलेनाथ। जय भोले, हर हर महादेव। जय पार्वती माता की, जय गणेश भगवान की, जय कार्तिक स्वामी की, जय जय किन्नर कैलाश की जय।
ग्लेशियर तो शायद नीचे है मेरे हिसाब से, है ना? ये ग्लेशियर है। इसी रास्ते को पार करते हैं, फिर आगे ग्लेशियर आएगा, ग्लेशियर मतलब जमा हुआ झरना आएगा जो टूट चुका है। आते हुए हम इस पैथ से आए थे, ये थोड़ा रिस्की पैच है, जमी हुई बर्फ की जो जो झरना है ये टूटा हुआ है यहाँ पर नीचे से, इसके नीचे पूरा झरना बह रहा है, यहीं से हमें पार करना है आराम से। हाय, आ रहा मुझे गाइड करना ज़रा, यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा ऊपर, बड़ी सावधानी जाना पड़ेगा। कैमरा बंद करता हूँ मैं। तो अभी हमें काली घाटी में खाना खाने के लिए यार, काफी शानदार बन रहा है, लोगों का पराठा, बिना वाली का पराठा और लिंगड़े की सब्जी जो यहाँ की पहाड़ की स्पेशल सब्जी होती है, आपको फोटो दिखाएंगे उसकी। और यहाँ पे बन रहा है सामने ये सहाड़ी लहसुन, सहाड़ी लहसुन, और यहाँ पे काफी बारिश हुई है, काफी तेज लिंगड़े की। ये काली घाटी की चढ़ाई है, ये हमारी वापसी की सबसे आखिरी चढ़ाई होने वाली है, इसके बाद से कोई चढ़ाई नहीं है, इसके बाद हमें सिर्फ नीचे उतरना है। उतराई है, और इसके पहले जो चढ़ाई थी वो काफी जबरदस्त थी, जो शुरू होती थी कहाँ से शाम, वो होती थी कुंशा से पहले जो चढ़ाई थी वाकई में तबीयत मस्त कर देती है। दो जगह एक को हमने नाम दिया था गन्नाधार, क्योंकि शुरुआत में जो एक चढ़ाई पड़ी थी सीधी उसे लोग कहते थे डंडाधार, क्योंकि डंडे की तरह सीधी चढ़ाई। और एक तो दिया हमने नाम दस माला, एक को नाम दिया दस माला क्योंकि ऊपर से देखने में लगता है दस माला की बिल्डिंग में हम खड़े हैं, सीधा खिड़की से झांकते और नीचे देखते ना स्ट्रेट वैसा लगता है, वैसा लग रहा था, तो उसका नाम दिया हमने दस माला की चढ़ाई। और वो गन्नाधार को क्या था कि वहां पे जाती गन्ने की तरह आपका रस निकल जाता है, और अब हम यहाँ से जाएंगे तो रिकॉर्ड पियो। और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि जितने अधिक युवक वगैरह जो हैं, अधिक यात्री हैं, उसमें से अधिकतर सबके पास में भांग, गांजा, चरस, ये सब चीजें यहाँ पे काफी मात्रा में, मतलब आप हर 50 कदम पर आपको गांजे की महक मिलेगी आपको यहाँ पे, हर टेंट में, हर सबके आसपास में आपको भांग और गांजे की महक सूंघने को मिल जाती है, सूंघने को अपने को खुशबू आती रहती है, बस बदबू। और यात्रा पे चढ़ाई के दौरान भी कई लोग खुले आम चरस गांजा वगैरह ये सब चीजें पी रहे हैं, और कोई टोकने वाला कुछ नहीं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी यात्राओं पे अगर आपको आकर यही नशा वगैरह करना है तो फिर इससे अच्छा है कि आप घर पे रहें ना आए। चलिए, ऐसी वैली को खराब ना, हाँ, भक्ति के नाम पे ये सब नौटंकी बंद करें, इस सुंदर वैली को सुंदर ही रहने दे, इसे बर्बाद ना करे, कृपया अपने घर रहे। ने सुबह लगभग 7:30 बजे चढ़ाई वापसी का रास्ता पकड़ा था, और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और हम अब जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से आखिरकार ट्री लाइन्स आरंभ होती हैं, पेड़ पौधे यहाँ से शुरू होते हैं, पथरीला रास्ता अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हमें थाचड़ू जाना है, थाचड़ू कुछ 4 या 5 किलोमीटर होगा, फिर उसके बाद देखेंगे, अगर ज़्यादा रात होती है तो कोशिश करेंगे कि हम आज के दिन ही सिंघाड़ पहुंच जाए, शायद रात्रि में ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अंधेरा फैलने लगा है और हम नमी और बरसात के बीच में अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए हम कब तक पहुंचते हैं और कहां रुकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि थाचड़ू रुकना सही रहेगा, लेकिन हमारा मन है कि थोड़ा और आगे निकला जाए, हाँ नहीं उससे भी थोड़ा आगे,
अंधेरे में ट्रैक करने की योजना बनी हुई है। और चारों तरफ का माहौल देखिए, जो खूबसूरती है। अभी फिलहाल हम रुके हुए हैं छोटा थाचड़ू में, और जहाँ पे हम पहले दिन रुके थे बरसात में भीगने के बाद में। अब यहाँ पे हम चूल्हे के सामने बैठे हुए हैं और तेल मालिश कर रहे हैं पैरों के अपनी अपनी, और श्याम भाई ने तेल लाया हुआ, तेल गर्म किया हुआ चूल्हे पे, और यहीं पे खाना वगैरह भी हमारा बनेगा थोड़ी देर। आप बताइए, इस तेल से आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? बहुत ज्यादा फायदा मिला, इसकी वजह से ही हमें थकान वगैरह महसूस बिल्कुल नहीं हुई बोल। और ये देखिए, इन्हें दीवानों की तरह पैर मसले जा रहे हैं। दीपांकर भाई हमारे टीम का एक आदमी भी बाहर है, आएगा वो भी, तो वो भी देखो आ गया, वो भी आ गया। तो क्या कहते हैं फिर तेल मालिश के बारे में? पानी चाहिए, पानी लेने गए भाई, पानी लेने ही गए हैं, आ ही रहे हैं 5 मिनट में। अपने बैग जमा दिए तीनों के? नहीं, बैग तो वहीं है, एक साइड में जमा देते तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, एक साइड में अपनी है। तो आज की रात हम लोग यहीं पे बिता रहे हैं, कल सुबह यहाँ से निकलते हैं, काफी ज्यादा रात हो गई है। और ये सुबह हो चुकी है और हम छोटा थाचड़ू से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, और आज हमारी मंजिल है जाओ। जाओ से फिर हम जाने वाले हैं कौन सी गुफा है, कौन सी थी ना, देवढाक गुफा जाने वाले हैं। फिर वहां से हम रामपुर जाएंगे, और रास्ता काफी खूबसूरत है। रात भर बारिश हुई है, बारिश हुई है, काफी यहाँ पे कीचड़ वगैरह सब जमा है, इसी में हम चल रहे हैं। और वहाँ सामने वाली पहाड़ी में कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी आज रात, सुबह हमने आवाजें सुनी थी। जय श्री खंड महादेव, जय श्री खंड, एकदम बोले हर हर महादेव। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, अभी सुबह जब हम निकले तभी भी लैंडस्लाइड हो रही थी। वो जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, शायद कैमरे में ना आ रही हो।